तो ले लिया आपने अकुस्टिक गिटार, एक्साइटेड हैं अपने पहले गिटार लेसन के लिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पहला गिटार लेसन। मेरा नाम है अरविंद और मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है गिटार के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम सीखेंगे गिटार के बेसिक्स को, देखेंगे गिटार के पार्ट्स के बारे में और समझेंगे गिटार के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। गिटार को सीखने से पहले इन चीज़ों के बारे में अगर हमें आइडिया हो जाए तो हमारे सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाएगा। इसी पर्पस के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। चलिए फिर देखते हैं। देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है एक अकूस्टिक गिटार। एक अकूस्टिक गिटार तीन हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है और ये तीन हिस्से होते हैं गिटार की बॉडी, गिटार का नेक और गिटार का हेड। बात करते हैं गिटार के बॉडी के बारे में। गिटार की जो बॉडी होती है वो अलग अलग वुड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। बॉडी के आगे के हिस्से में आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये कहलाता है टॉप वुड, पीछे का हिस्सा कहलाता है बॉटम वुड और साइड वुड। साइड में इन कॉम्बिनेशन से मिलकर ही गिटार की बॉडी बनती है। अकूस्टिक गिटार की एक खासियत होती है, अकूस्टिक गिटार की जो बॉडी होती है वो हॉलो बॉडी होती है। जो टॉप वुड और बॉटम वुड हैं उनके बीच का जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है वो अंदर से पूरी तरह से हॉलो होता है, बिल्कुल खाली होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिटार के स्ट्रिंग्स। ये एक स्टैंडर्ड अकूस्टिक गिटार है। एक स्टैंडर्ड अकूस्टिक गिटार में टोटल 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। इन स्ट्रिंग्स के नेमिंग के बारे में, इनके ट्यूनिंग के बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ये होल, ये कहलाता है गिटार का साउंड होल। जब भी आप इन स्ट्रिंग्स को हिट करते हैं या स्ट्रम करते हैं तो जो साउंड मिलेगा आपको इसी साउंड होल के थ्रू मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था गिटार की बॉडी हॉलो होती है, उस वजह से ही इन स्ट्रिंग्स को हिट करने पर अंदर के हॉलो स्पेस में ही रेजोनेट होके साउंड बाहर आती है और ये इसी साउंड होल के थ्रू बाहर आती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिटार के नेक के बारे में। देख सकते हैं आप ये हिस्सा, ये कहलाता है गिटार का नेक। इस नेक में ही आगे की ओर आपको मिलता है गिटार का फ्रेटबोर्ड। आप देख सकते हैं ये हिस्सा, यहाँ पे स्टील की आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये जो लाइंस हैं वो इस पूरे बोर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं और यही जो छोटे छोटे डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, ये जो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, यही कहलाते हैं गिटार के फ्रेट्स। देख सकते हैं आप फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, इसी तरीके से टोटल इस गिटार में 20 फ्रेट्स हैं। कुछ गिटार्स में 20 फ्रेट्स होते हैं, कुछ में 22, कुछ में 24 फ्रेट्स भी हो सकते हैं। इसे फिंगर बोर्ड भी कहा जाता है फ्रेट बोर्ड के साथ ही, क्योंकि आप जो भी नोट्स प्ले करेंगे अपने फिंगर्स का यूज़ करके ही प्ले करेंगे, इस वजह से ही इसे फ्रेटबोर्ड के साथ ही साथ फिंगर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्रेटबोर्ड में आप देख सकते हैं आपको ये छोटे वाइट कलर के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो डॉट्स होते हैं वो कहलाते हैं फ्रेट मार्कर्स। फ्रेट मार्कर्स का काम होता है आपके मदद करने का, ये आपकी मदद करते हैं बेहतर तरीके से गिटार में नेविगेट करने के लिए। इनके मदद से आप इनके रेफरेंस से अपने नोट्स को भी याद रख सकते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर कोड के पोजिशन को भी याद रख सकते हैं। इनकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है, आप देख सकते हैं थर्ड फ्रेट पे, फिफ्थ फ्रेट पे, सेवन्थ फ्रेट पे, नाइन्थ फ्रेट पे, ट्वेल्थ फ्रेट पे, 15th और 17th फ्रेट पे। ये आपको बेहतर तरीके से नेविगेट करने के लिए हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिटार के हेडस्टॉक के बारे में। ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहलाता है गिटार का हेडस्टॉक। हेडस्टॉक में आपको गिटार के लोगो, गिटार की कंपनी, इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मिल जाते हैं। इसी हिस्से में आपको दिख रहे होंगे ये छोटे से हिस्से, ये जो हिस्से होते हैं वो कहलाते हैं ट्यूनिंग कीज़। इन्हें मशीन हेड्स या ट्यूनिंग पेग्स भी कहा जाता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो आप स्ट्रिंग नज़र आ रहे हैं, हर स्ट्रिंग की अपनी एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग होती है। उन्हें ट्यून में रखने के लिए आपको इन ट्यूनर्स का मदद लेना पड़ेगा। टोटल 6 स्ट्रिंग्स होते हैं जिनके लिए टोटल 6 ट्यूनर्स होते हैं। इन ट्यूनर्स को ही आप वाइंड करेंगे, या तो आप टाइट करेंगे या तो लूज़ करेंगे इन स्ट्रिंग्स को अपने पर्टिकुलर ट्यूनिंग में रखने के लिए।
यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये वाइट, ये कहलाता है गिटार का नट। गिटार का नट एक काफ़ी छोटा सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये गिटार के ओवरऑल जो टोन होता है उसके लिए, गिटार की जो इन स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग स्टेबिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नट में छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जिनके ऊपर से स्ट्रिंग्स आते हैं और अपने डेजिग्नेटेड प्लेस में लोकेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गिटार के ब्रिज के बारे में। गिटार की जो बॉडी होती है और गिटार का जो हेड होता है उसे ब्रिज करने का काम करता है ये हिस्सा। इस हिस्से में आपको ये छोटे पिंस नज़र आ रहे होंगे वाइट कलर के, आप देख सकते हैं ये 6 पिंस। ये 6 पिंस है गिटार के 6 स्ट्रिंग्स के लिए। यहाँ पे एक होल होता है जिसके अंदर आपका स्ट्रिंग आप इंसर्ट करते हैं, फिर इन पिंस को लगाते हैं, जिसके बाद ही ये स्ट्रिंग्स आगे हेडस्टॉक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा आप देख सकते हैं गिटार का सैडल। गिटार का जो सैडल होता है वो भी नट की तरह छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो गिटार के फ्रेटबोर्ड से थोड़ा ऊपर उठकर होते हैं, और देख सकते हैं आप ये जो स्ट्रिंग्स फ्रेटबोर्ड से थोड़ा ऊपर उठकर होते हैं वो गिटार के नट और गिटार के सैडल के वजह से होते हैं। ठीक है, सैडल के ऊपर से ही स्ट्रिंग रेस्टेड होकर हेडस्टॉक की ओर आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये गिटार का सैडल और गिटार का नट। और कुछ और भी हिस्से होते हैं गिटार के जो आप देख सकते हैं, ये आपको छोटे पिन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, एक बैक साइड में भी आप देख सकते हैं। ये जो पिन होते हैं इन्हें कहा जाता है स्ट्रैप पिंस। अगर आपको गिटार खड़े होके प्ले करना है तो ऐसे में आप यहाँ पे स्ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे बेहतर तरीके से आप गिटार को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, एक और आपने बात सुनी होगी इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार और अकूस्टिक गिटार। मैं आपको बताना चाहूँगा अकूस्टिक गिटार और इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार में उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बस एक इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार में आपको पिकअप का फीचर मिल जाता है। जैसे मेरे हाथ में अभी आप देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इनपुट के लिए पोर्ट्स नज़र आ रहे होंगे, इनसे आप अपने गिटार केबल को कनेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप जोड़ सकते हैं अपने एम्पलीफायर से या अपने पसंद के किसी भी डिवाइस से। जो इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार होते हैं उनमें अंडर सैडल पिकअप लगा हुआ होता है, जिसके मदद से आप रिकॉर्डिंग की फ़ीचर्स या इफ़ेक्ट की फ़ीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अकूस्टिक गिटार और इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार में उनके स्ट्रक्चर में कोई भी फंडामेंटल डिफरेंस नहीं होता है। बस आपको इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार में पिकअप का फीचर मिल जाता है, जिससे आपको और भी कुछ एडेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो गाइज़ ये था गिटार का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के गिटार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।